हाय बच्चों, वेलकम टू मैथ्स गुरु। मेरे प्यारे बच्चों, आज जैसे कि सीबीएसई ने बिल्कुल सरप्राइज दे दिया, सीबीएसई हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और देश में जैसे पैंडेमिक चल रहा है उसके हिसाब से आज हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर जो डिसीजन ले रहे हैं बच्चों के हित में, तो इसके ऊपर मैं बच्चों थोड़ा फोकस डालना चाहता हूँ कि मेरी विचार क्या है, ताकि हमारे बच्चों को ये मैसेज पहुँचे कि आज की क्या अपडेट है इसके बारे में बच्चे हमारे जाने। तो जैसे कि बोर्ड पर लिखा है मैंने कि सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा मैं अपनी विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे इसके बारे में जाने कि क्या लेटेस्ट न्यूज अपडेट है जी, या लेटेस्ट न्यूज है इसके बारे में जाने। तो जैसे कि हमें पता था कि क्लास 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन 4 मई से लेकर 14 जून तक चलना था, बच्चों को बहुत बेसब्री से वेट था, बच्चे हमारे तैयारी में बिजी थे, लेकिन जैसे कि ये कोरोना पैंडेमिक चल रहा है इसके चलते हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने आज बिल्कुल सरप्राइज दे दिया कि इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। और इसके लिए अगला डेट कब आएगा जी, इसके लिए हमारी एक बोर्ड की बैठक होगा सीबीएसई का, वो 1 जून का बोर्ड की बैठक होगा, और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा सिचुएशन को देखते हुए कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन का डेट क्या होगा, कैसे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उसके बारे में आगे इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगा हमारे बच्चों को दिया जाएगा। तो जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर ने साफ साफ बोला है कि अ नोटिस ऑफ एटलीस्ट 15 डेज विल बी गिवेन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी 1 जून की जो बोर्ड की मीटिंग होगा उसमें आपको ये बताया जाएगा कि अगले एग्जाम के शेड्यूल क्या होगा, कब होगा। इसलिए हमारे प्यारे 12th के बच्चे, अब आपको इस सिचुएशन के साथ आप अपनी तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उस एग्जाम की तैयारी में लग जाइए बेटे आप लोग, फिर जैसे डेट आएगा उसके हिसाब से आप बोर्ड की तैयारी में फिर से लग जाना। तो मेरे प्यारे 10th क्लास के बच्चों, 10th क्लास के बच्चे हमारे बिल्कुल बोर्ड की एग्जाम में व्यस्त थे, तैयारी में सारा दिन तैयारी में लगे थे, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम की बेसब्री से वेट था। तो जैसे कि हम सबकी लाइफ में 10th की एग्जाम बहुत मैटर करता है, तो उसी तरह हमारे प्यारे बच्चों को तैयारी था, 1st क्लास से तैयारी कर चुके थे और वो बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत वेट कर रहे थे कि हमारा एग्जाम 4 मई से स्टार्ट होगा, 7 जून को खत्म होगा, उसके बाद उनकी बहुत सारी प्लानिंग थी। बट इस सिचुएशन में, इस पैंडेमिक कोरोना के अंदर हमारे बच्चों को ये बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ गया कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप इसको बिल्कुल नहीं घबराना है, जैसे कि हमारे सीबीएसई एजुकेशन मिनिस्टर ने ये साफ साफ बोला है कि द रिजल्ट ऑफ क्लास 10 बोर्ड विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन टू बी डेवलप्ड बाई द बोर्ड, लिखा हुआ है। इसमें साफ साफ उन्होंने बोला है कि एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट टेस्ट किया जाएगा, वो टोटली ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, यानी हो सकता है ये स्कूल को पावर दे दिया जाए कि आप हर एक बच्चे को एक MCQ टेस्ट कंडक्ट करके उसको रिपोर्ट दिया जाएगा CBSE बोर्ड को, उसके अकॉर्डिंग बच्चों का रिजल्ट तैयारी किया जाएगा। इसके बाद भी हमारे बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है, अगर जिन बच्चों को लगता है कि नहीं जी हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, मेरे रिजल्ट और बेटर बन सकता है, तो बाद में सिचुएशन अगर अच्छा हो जाता है तो बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा, CBSE उसके लिए डेट अनाउंस करेगी कि उसके लिए प्रॉपर आपके बोर्ड की एग्ज़ाम के जैसे एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम को भी आप दे सकते हो। लेकिन मैं अपने प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी इतनी वेट मत कीजिए, अपनी टाइम को वेस्ट मत कीजिए, जो भी तैयारी हो चुका है या होने वाला है अब आप उसको छोड़ दीजिए, जो भी डिटेल आएगा या जो भी डेट्स आएगा उसके वेट कीजिए, और आप अपने जो भी सब्जेक्ट लेना है फ्यूचर में 11th क्लास के अंदर उनकी पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल डिप्रेशन की जरूरत नहीं है। जो बच्चा साइंस लेना चाहता है, कॉमर्स लेना चाहता है या सुपर ह्यूमैनिटीज लेना चाहता है, वो अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लग जाए बेटे, आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को फिर से उसके हिसाब से एग्जाम की तैयारी में लग जाओगे आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लेटेस्ट अपडेट की वेट करते रहिए, जैसे कोई अपडेट आएगा हम सबको मिलेगा, उसके हिसाब से हम लोग आगे प्लानिंग करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।